घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके गंदे और पीले दांतों को एक मिनट में मोती की तरह चमका देगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने जा रहा हूँ और ये नुस्खा दांतों के लिए है। अगर आपके दांत पीले हो गए हैं या फिर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नुस्खे से आपके दांतों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती हैं। अगर आपके मुंह से स्मेल यानी बदबू आती है तो आपकी ये प्रॉब्लम भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करके ख़त्म हो जाएगी। ये नुस्खा बहुत ही सस्ते में बन जाता है और आपके दांतों के लिए बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे दांत पीले आखिर होते क्यों हैं। तो दोस्तों, दांतों के गंदा होने या पीले होने के काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं या फिर गुटखा और पान मसाला खाते हैं, अल्कोहल या और कोई नशे की चीज़ लेते हैं तो इससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं, हमारे दांतों में बदबू होने लगती है और गंदे दिखाई देने लगते हैं। मेन बात यह है कि अगर आप अच्छे से ब्रश भी नहीं करते हैं अपने दांतों को तो भी आपके दांत गंदे, पीले और बदबूदार होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दांत पीले ना हो, गंदे ना हो और उम्र भर ये समय से पहले ना टूटें तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस नुस्खे को भी अच्छे से इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो आइटम है वो है इनो साल्ट, लेमन फ्लेवर वाला इनो। इनो आपके घर में मौजूद हो सकता है क्योंकि जब भी पेट खराब होता है या एसिडिटी होती है ज़्यादा खाने की वजह से तो हम जनरली पानी में डालकर इनो साल्ट इस्तेमाल किया करते हैं। तो इसमें वही इनो साल्ट चाहिए लेकिन लेमन फ्लेवर वाला चाहिए। ये हमारे दांतों को चमकाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। दूसरी चीज़ चाहिए हमें कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारे दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है। नारियल का तेल हमारे दांतों से गंदगी को ख़त्म करता है और साथ ही हमारे दांतों को सड़ने भी नहीं देता। अगर आपके दांतों से स्मेल आती है, बदबू आती है तो आप चाहें तो नारियल के तेल को अपने दांतों पर और मसूड़ों पर उसकी मालिश कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको बनाना किस तरह से है और इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, आप इसके लिए एक चम्मच लेमन फ्लेवर वाला इनो साल्ट लें एक साफ कटोरी में और उसमें एक चम्मच ही आप डालेंगे नारियल का तेल। ये हमने नुस्खा बनाकर रखा है। इस तरह से आपको ये पेस्ट मिल जाएगा और इन दोनों चीज़ों को दोस्तों इसी तरह से मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके रखें और जब भी आपको ब्रश करना हो तो इसी तरह से इसको बना लें। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका देख लेते हैं। जब ये नुस्खा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसको अपने ब्रश पर लगाकर अच्छे से दांतों पर ब्रश करें और इस रेमेडी को आप हफ्ते में एक या दो दिन जरूर करें। एक ही सप्ताह के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका। आप यदि आपके दांत बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप हफ्ते में दो दिन कर लें, ठीक है, और यदि आपके दांत बहुत कम गंदे हैं तो हफ्ते में एक बार कर लें। तो दोस्तों, आप पहले दिन लगाने से ही आपको बहुत काफ़ी फ़र्क इसमें नज़र आने लगेगा। इस नुस्खे को अपने दांत के ऊपर एक मिनट से ज़्यादा ना रखें। एक बार इससे अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लेने के बाद अच्छे से कुल्ला कर लें। एक हफ्ते में ही आपके दांत चमकदार हो जाएंगे और आपके मुंह से बदबू ख़त्म हो जाएगी। दांत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा वाइट और चमकदार दिखने लगेंगे। जैसा कि हमने बताया कि इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसको एक मिनट से ज़्यादा अपने दांतों के ऊपर ना लगा रहने दें, दांतों को नुकसान और भी ज़्यादा हो सकता है। ये आपके बेसिकली दांतों के ऊपर जो गंदगी जमा हुई है, पीलापन जमा हुआ है, उसको दूर करने के लिए है, ठीक है। आप इस नुस्खे को रोज़ाना यूज करते हैं तो आपको बहुत ही ग्रेट रिजल्ट मिलेंगे और देखने को मिलेगा। इसके अलावा और यदि आप हफ्ते में दो बार या तीन बार भी कर लेते हैं तो भी ठीक है। यदि आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार तो अवश्य ही इसको इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि आपने दो तीन हफ्ते में एक बार किया तो फ़ायदा नहीं होगा। और यदि आप इसको डेली कर सकें
तो फिर तो बात ही क्या है, आपको एक हफ्ते के अंदर ही अंदर आपके दांत मोती के जैसे चमकदार हो जाएंगे। दोस्तों, दांत सफ़ेद हों, अच्छे हों, खूबसूरत हों, तो किसी के भी सामने हंसने से, मुस्कुराने से शर्म नहीं आती है। और हमारे दांत यदि बहुत गंदे हैं तो हमें खुद बहुत महसूस होता है। इस चीज़ का ख्याल रखें, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए आप वैसे तो इसको ज़्यादा देर तक अपने दांतों पर लगे रहने ना दें, लेकिन वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दोनों चीज़ें इसमें बिल्कुल नेचुरल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लेकिन फिर भी एहतियात रखें, एक मिनट या दो, एक मिनट से ज़्यादा इसको अपने दांतों के ऊपर ना लगाने दें, फ़ौरन कुल्ला कर लें, ठीक है। इसी से आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा ये नुस्खा और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।